वैरायटी है राज 41-20 किसान साथियों, और यह गेहूं की फसल लगभग 20 से 22 दिन की हो चुकी है। और इस 41-20 वैरायटी में हम देखें किसान साथियों, इसमें ये 20-22 दिन की हो चुकी है और इसमें जो क्राउन रूट जड़ है वह निकलने शुरू हो चुकी है। किसान साथियों, अब हमें इस गेहूं की फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं कि 10 से 15 दिन पर ही पहली सिंचाई कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। या फिर बहुत सारे किसान लगभग हमारी फसल 30 दिन की हो जाती है या एक महीने की हो जाती है जब पहली सिंचाई करते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमें गेहूं की सही समय पर सिंचाई करेंगे तो हमारे गेहूं की जो क्राउन रूट निकलती हैं, पहली जड़ निकलती है, मूल जड़ निकलती है, अगर उसका जमाव अच्छी तरह हो जाता है तो हमारे गेहूं के पौधों में कल्ले अच्छी तरह निकलेंगे। और इस समय हमें जब हमारी फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है, उस समय हमें पहली सिंचाई करनी है और उस सिंचाई के साथ ही हमें यूरिया खाद प्रति बीघा हमें लगभग 30 किलो यूरिया खाद हमें देना है। इसके साथ किसान साथियों, अगर ग्राउंड रूट का अगर जमाव अच्छी तरह हो गया, हमें सिंचाई 20 से 22 दिन में करनी है। अगर हमारी जड़ का जमाव अच्छी तरह हो जाएगा तो लगभग एक पौधे से 15 से 20 कल्ले निकलेंगे। बात करें राज 41-20 वैरायटी की, यह वैरायटी लगभग 125 से 130 दिन में पक जाती है और इसकी पैदावार लगभग प्रति बीघा 10 से 12 क्विंटल बीघा की देखी गई है। किसान साथियों, राज 41-20 का दाना बहुत चमकदार होता है और खाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा किसान साथियों, में गेहूँ की सिंचाई की अगर हमारे पास केवल दो सिंचाइयाँ हैं तो हमें पहली सिंचाई तो करनी है क्राउन रूट, जब हमारी फसल 20 से 22 दिन की हो जाती है उस समय हमें सिंचाई करनी है, और दूसरी सिंचाई जब हमारी फसल में बालियां आ जाए उस समय हमें सिंचाई कर देनी है। अगर किसान साथियों हमारे पास अगर सिंचाई की तीन सिंचाई की व्यवस्था है, तीन सिंचाई का पानी है, तो हमें प्रथम सिंचाई तो 20-22 दिन बाद, बुआई के 20-22 दिन बाद जब हमारी फसल में क्राउन रूट जड़ निकलने लग जाती है उस समय करनी है, और दूसरी सिंचाई जब हमारे गेहूँ की फसल में बालियाँ आने लग जाए, पुष्प अवस्था हो जाए उस समय करनी है, और तीसरी सिंचाई जब हमारे गेहूँ की फसल में दानों का दूधिया अवस्था हो जाए उस समय सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।